नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करेंगे आज फ्लोरिंग में टाइल्स लगाए दें तो टाइल्स पे आपने देखे होंगे बहुत ही जगह पे स्क्रैच रहते हैं, तो वो क्यों आते हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को हमेशा देखते रहिए। आपको टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सिरामिक की सभी जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, आप अंत तक ज़रूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो टाइल्स की कौन सी गलती होती है जो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको टाइल्स इसके ऊपर टाइल्स नीचे लगी हुई टाइल्स देख सकते हैं आप, इसके ऊपर पीओपी बिछाई हुई ये क्यों बिछाते हैं और इसके बिछाने की क्या फ़ायदा है, डिटेल से बात करेंगे। पीओपी डालते समय आप टाइल्स के ऊपर पेपर या फिर कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन हो वो अच्छी तरह से बिछा लें और पीओपी को पतला करके इसके ऊपर टाइल्स की सभी जगह इस प्रकार बिछा दें आप, ताकि आप लाइट का, पुट्टी का, कलर का, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये पॉइंट दिख रहे हैं लाइट के, फैन के, सभी के, वायरिंग करते समय आपको टाइल्स पर स्क्रैच न है। वायरिंग का काम करते समय या फिर नल फिटिंग का काम करते समय हथौड़ी हो या फिर कोई वजनदार वस्तु टाइल्स पर गिर जाती है, हाथ से छूट जाती हैं तो टाइल्स क्रैक नहीं होती हैं। फिर रेत के बहुत बारीक कण होते हैं तो वो टाइल्स पर पैर के नीचे आकर टाइल्स में स्क्रैच ला देते हैं, तो बहुत सी प्रकार की सेफ्टी पीओपी डालने से रहती है। तो आप टाइल्स लगाकर इस प्रकार की पीओपी डाल दे तो टाइल्स की जो क्वालिटी रहती है वो सेम प्रकार की रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, उसके अंदर स्क्रैच नहीं आता है और आप कभी लाइनिंग का काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई समस्या नहीं आती है, इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बात करते हैं ग्रेनाइट चौखट की, तो आप देख सकते हैं मेन हॉल के साथ दो रूम दिखाई दे रहे हैं, उसमें ग्रेनाइट की चौखट बनाई हुई है। कोटला ब्लैक ग्रेनाइट लिया है विंडो ने, जिसे विंडो में भी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, सामने हॉल के जस्ट पास में बाथरूम की जो फ्रेम है वो भी ग्रेनाइट की ली हुई है। बाथरूम के जस्ट ऊपर माल्या जो जगह रहती है उसको यूज़ के लिए माल्या बनाया हुआ है, जिसमें आप अन्य प्रकार की सामग्री रख सकते हैं। ऊपर वेंट के लिए आप देख सकते हैं, उजासा के लिए वेंट दिया हुआ है, जिससे बाथरूम, टॉयलेट और हॉल में उजासा रहता है, उजासा चारों तरफ उस वेंट से। बात पीओपी की करते हैं तो ये मार्केट में आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, 40 रुपये, 50 रुपये बैग, 20 किलो का आराम से मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा और सभी कार्य हो जाने के बाद उसको आसानी से निकाल कर आप टाइल्स को सफाई कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से साफ हो सकता है। ये पीओपी क्यों डालते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो जानकारी मैंने दी उससे अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, आप तक वीडियो बनाकर भेजने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।